हिंदी सिनेमा जगत के सुपरस्टार और उस सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और 80 के दशक की मशहूर अभिनेत्री जया पर्दा के ऊपर फिल्माया गया गंगा जमुना सरस्वती फिल्म का ये गाना आज सुहागिन महिलाओं के ऊपर बड़ा ही सटीक बैठ रहा है। क्योंकि हमारी हिंदुस्तानी स्त्रियां अपने पति को परमेश्वर का दर्जा देती हैं और कई ऐसी मान्यता और पौराणिक कथाएं हैं जिसके आधार पर यह माना जाता है कि माता सावित्री ने अपने पति सत्यवान को मौत के मुंह से निकाला था। इसके लिए उन्हें वट वृक्ष के नीचे ही कठोर तपस्या करनी पड़ी थी। इतना ही नहीं, पति को दोबारा जीवित रखने के लिए माँ सावित्री यमराज के द्वार तक पहुंच गई थी और अपने पति को काल के गाल से बाहर निकाल लाई थी। इतनी शक्ति है हिंदुस्तान की नारी शक्तियों के इस वट सावित्री पूजा में। अब आप झारखंड के रामगढ़ की नारी शक्तियों के खूबसूरत परिधान और आभूषणों से सुसज्जित महिलाओं के वटवृक्ष पूजन विधि को देखें और पूजन कर रही महिलाओं में से एक व्रती आभा सिन्हा को सुने। हम लोग एक दिन पहले इसका नहाए खाए रहता है, दूसरा दिन हम लोग उपवास करते हैं और तीसरे दिन जिस सारा फल हो गया, केला है, आम है, तरबूज है, ये सब ले करके हम लोग पूजा करते हैं इसका। उसके बाद हम लोग फेरी देते हैं, तो हर एक फेरी में हम लोग संकल्प लेते हैं। हर एक फेरी का मतलब होता है कि अपने पति का रक्षा करना, और हम लोग ये संकल्प लेते हुए पूजा करते हैं। और यही मतलब इसमें जितना तरह का सामग्री आप कर सकते हैं, कोई पकवान बनाता है, कोई जो भी जिसको हुआ, और हम लोग भी इसीलिए करते हैं क्योंकि भगवान ऐसे में हमारे सौभाग्य हमेशा आते रहें और इसका पूजा हम लोग करते रहें। सुहागिन महिलाओं ने रामगढ़ के थाना चौक स्थित वटवृक्ष के नीचे अपने जीवन साथी को परमेश्वर का दर्जा देते हुए अपने पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री का पूजन किया। साथ ही वटवृक्ष में सूत बांधकर परिक्रमा की, एक दूसरे को सिंदूर लगाया और पूजा के बाद सावित्री और सत्यवान की कथा सुनी। मुखोली दोस्त जी, आपके बिना मुंह वाले दोस्त जी को खाना खिलाना फिर भी आसान है, लेकिन इन दोस्त जी को चूज करना बहुत ही मुश्किल। ओके ओके, चूज करना बहुत ही मुश्किल है। लोग चूज करना बहुत ही मुश्किल है। सॉफ्ट सॉफ्ट, प्रिटी प्रिटी, लाइट वाले, साउ वाले, मूछ वाले, पूछ वाले, इतने दोस्त जी हैं फर्स्ट क्राई पर। अब आप ही कीजिए, एक को चूज। बच्चों की शॉपिंग, बच्चों का खेलने।